हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज आप अपना SBI का इंटरनेट बैंकिंग आप कैसे अपने चालू कर सकते हैं, बिना ही ब्रांच में जाए और ना ही कहीं जाए पाए। बस आपको ज़रूरत है आपके ATM कार्ड की, पासबुक की और अपने मोबाइल नंबर की, जो ही आपका रजिस्टर्ड हो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर। बस आपको उन सब चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है। और बस यहाँ पर हमारी वीडियो चालू हो चुकी है। और गाइस, यहाँ पर अभी आप है हमारे वेबसाइट के ऊपर, SBI ऑनलाइन वेबसाइट जो है उसके ऊपर आपको अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी उसके ऊपर आपको जाना है। उसके ऊपर आपको अपना यूज़र ड्राइवर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। इस पर बेसिकली आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, जो कि आपका अकाउंट नंबर है पासबुक के ऊपर जो आपको अवेलेबल है, आपको अकाउंट नंबर डालना है वहाँ पर। और गाइस, मेरा नाम है पंकज और अभी हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं SBI ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये वीडियो हिंदी में इसलिए है ताकि SBI जो है सिर्फ इंडिया के लिए इसीलिए। और यहाँ पे आपको बाद में अपना CIF नंबर डालना है। CIF नंबर बेसिकली आपको अपने पासबुक के ऊपर मिल जाएगा, सबका अलग होता है, बेसिकली सबका एक नहीं होता। और बाद में आपको अपना ब्रांच कोड डालना पड़ेगा। ब्रांच कोड अगर आपको नहीं मालूम है फिर भी कोई बात नहीं, साइड में आपको ब्रांच नेम का एक छोटा सा पैनल दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना ब्रांच कोड यहाँ पर डाल दिया है, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ एंटर 5 डिजिट ब्रांच कोड, और मेरे पासबुक पर सिर्फ 4 डिजिट का मेंशनड है मेरा ब्रांच कोड। इसलिए मुझे लगता है ऑफिस से एक बार मुझे कंफर्म करने के लिए गेट ब्रांच नेम पे मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे अपना कंट्री, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, फैसिलिटी रिक्वायर्ड, फुल ट्रांजेक्शन राइट्स पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो लाइक पैसा भेजना वगैरह आपको सब कुछ फैसिलिटी चाहिए तो फुल ट्रांजेक्शन राइट्स पर क्लिक कीजिए, वरना अगर सिर्फ आपको देखना है तो सिर्फ व्यू पे क्लिक करना। वहाँ पर मैं प्रोसीड किया लेकिन वापस आ गया मुझे एंटर वैलिड ब्रांच कोड। तो मेरे पास तो 4 ही अंकों का नंबर है, अभी तो 5 अंक वहाँ पर चाहिए। अब 5 अंक मैं अपनी मर्ज़ी से डाल नहीं सकता, क्योंकि मर्ज़ी से डाल सकता हूँ लेकिन बेसिकली वहाँ पे 0 आता है स्टार्टिंग में। लेकिन मैं अभी जाऊँगा यहाँ पे गेट ब्रांच कोड के ऊपर, और गेट ब्रांच कोड के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अपना लोकेशन आप डालिएगा। लोकेशन मतलब आपका स्टेट जो रहेगा, स्टेट थाने मुंबई जो आएगा आपका। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो है लोकेशन है बेसिकली थाने का आएगा, क्योंकि मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट थाने है। तो यहाँ पर आता है थाने, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है मुझे। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि मैं कहीं मेरा सिटी तो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि शायद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट वाइज नहीं है, शायद डिस्ट्रिक्ट वाइज है। इसीलिए क्योंकि मुझे लगा शायद पहले यहाँ पे स्टेट होता है, फिर नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर उसके बाद उसका सिटी आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और तरीका आजमाया गया। तो यहाँ पर शायद आपका डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट दिया रहेगा वो लोगों ने। अब बस मैं जा रहा हूँ, खींच रहा हूँ उसको नीचे नीचे फटाफट। अब यहाँ पर थाने आ गया। जैसे ही मैं अपना थाने यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अपना ब्रांच नेम सेलेक्ट करूँगा। मेरा ब्रांच, मुझे यहाँ पे मेरा ब्रांच मिल गया, और मुझे यहाँ पे नीचे मेरा कोड मिल गया। बस बेसिकली 0 था स्टार्टिंग में, नॉर्मली 0 ही होता है, बस क्या कंफर्म कर लेना चाहिए बॉस, आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आएगा, आपको पासवर्ड वहाँ पर एंटर करना है। OTP आएगा बेसिकली, ताकि मालूम तो पड़े कि भाई जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है वही तो है कस्टमर अपना, नहीं तो कोई भी रजिस्ट्रेशन कर देगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड आता है, वन टाइम पासवर्ड OTP, उसको आप वहाँ पे एंटर कर दीजिए। और अगर नहीं आया है तो उसके नीचे आप क्लिक कर सकते हैं, हरे पैनल में आपको दिख रहा है क्लिक हियर टू रिसेंड OTP, उसके ऊपर आप क्लिक करना। तो यहाँ पर पूछ रहा है आया माई ATM कार्ड, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है फिर भी आप क्लिक करना, एक्टिवेशन के लिए आपके पास ब्रांच जाना पड़ेगा अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर आप डालिएगा, कार्ड नंबर, उसका वैलिडिटी, कार्ड होल्डर पे आपका नाम क्या लिखा है, और आपका ATM पिन लगेगा, और वहाँ पे जो कैरेक्टर्स दिया हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में आपको वो डालना है। अब बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, आराम आराम से मत डालिएगा, फटाफट करिएगा, ताकि अगर साइट का टाइम आउट हो गया तो बेसिकली ये होगा कि आप आगे कर रहे हैं और आगे जाके आपका इशू हो जाएगा उसके अंदर। और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने कार्ड अपना सब कुछ, कार्ड नंबर मैंने अपना डाल दिया, आप लोग को दिखता नहीं होगा क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ पे हाइड करके रखा है अपना। जो मेरा बेसिक अकाउंट्स का डिटेल्स है वहाँ पे किसी को नहीं दिखने वाला पूरे वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने हाइड कर दिया उसको, कुछ अभी डाल दिया है। और यहाँ पर अभी आपको अपना टेम्प्रेरी यूज़र नेम फॉर इंटरनेट बैंकिंग आपको आ चुका है यहाँ पर, जो आपकी आपका टेम्प्रेरी है, आपको थोड़ी देर बाद उसको बेसिकली चेंज करना होगा, और बस टेम्प्रेरी होता है। आपको एक नया लॉगिन पासवर्ड आपको अपना डालना है, लॉगिन पासवर्ड आप अपना कुछ भी डाल सकते हैं, और जो डाल रहे हैं आप उसको लिख के रखिएगा, बड़े में लिख रहे हैं, छोटे में लिख रहे हैं, और वहाँ पे लिखा हुआ है आपको छोटे में डालना है, बड़े में डालना है, और एक न्यूमेरिक डालना है, और एक
जो सिंबल होता है हमारा, जो एट द रेट विट द रेट होता है, आपको उसको डालना है वो सब वहाँ पे। और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है पूरा वीडियो के अंदर, लाइक आप अपना अकाउंट बना रहे हैं और आपको इशू आ रहा है उसके अंदर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा उसका। अब यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया है, तो यहाँ पे दिखा रहे कि सिंबल भी डालिएगा, क्योंकि मैं शायद सिंबल डालना भूल गया इसीलिए। अब यहाँ पे मैं एक सिंबल डाल रहा हूँ। अब वहाँ पे मैंने सब, मुझे मैसेज आ चुका है कि मेरा टेम्प्रेरी यूज़र नेम जो है मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुका है बाय SMS। और जो SMS पे आता है, जो आपको वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा ना जब आप पासवर्ड आप एंटर कर रहे हो, वही आपका यूज़र नेम भी होता है जो आपके मोबाइल नंबर पे आता है बेसिक। तो यहाँ पे मैं वापस जाऊँगा, कंटिन्यू टू लॉगिन पे करूँगा, लॉगिन पे जाके इस बार से, तो लॉगिन पे मैं वो यूज़र नेम अपना डालूँगा जो मुझे आया है बाय SMS मेरे मोबाइल नंबर पे। वो मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ, बस मैं अभी देख देख के डाल रहा हूँ ज़रा, क्योंकि गलत हो जाएगा तो इशू हो जाएगा बॉस, इसीलिए देख देख के डालना पड़ता है ये सब चीज़। और यहाँ पे मैं अभी इनपुट करूँगा अपना यूज़र नेम। यूज़र नेम डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो अपने पासवर्ड आपने उस वक्त बनाया था वो पासवर्ड आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। और बेसिक अगर SBI का वेबसाइट देखा जाए ऑनलाइन के मामले में, तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा वेबसाइट है इनका, आपको सारा कुछ फैसिलिटी यहाँ से मिल जाता है सब कुछ। और यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यूज़र नेम चेंज करना होगा। यूज़र नेम अपना आप नंबर में चेंज रख सकते हैं, और कैरेक्टर रखना पड़ेगा आपको, नंबर प्लस कैरेक्टर आपको दोनों रखना है। जैसे कि मेरा नाम पंकज होता है, पंकज1394, ऐसा। ये मेरा यूज़र नेम नहीं है, बस मेरा बर्थ डेट है। तो यहाँ पे अपना बाद में आपको क्लिक करना है एक्सपेक्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही आप अपना आगे जाके कर सकते हैं। आगे जाने के बाद इतना हो गया, अभी केस सेंसिटिव यूज़र नेम इज़ अवेलेबल। बस मैं अभी यहाँ पे मैं नोट डाउन करूँगा अपने बुक के अंदर, ताकि मैं आगे भूल ना जाऊँगा अपना जो यूज़र नेम है। आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वापस आपको दोबारा एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। जो पासवर्ड आपने उस वक्त बनाया था वो पासवर्ड आप दोबारा यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, आपको दूसरा पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पासवर्ड आपने बनाया था उस वक्त वो बस आपका एक टेम्प्रेरी पासवर्ड था। ओवरऑल सबका सब पूरा टेम्प्रेरी पासवर्ड था वो सब सब कुछ। और यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, आपने पासवर्ड अपना डाल दिया है, यहाँ पे आपका खुल चुका है अपना अकाउंट, अभी आपका खुल चुका है। यहाँ पे आपने नया पासवर्ड बना दिया, आपका अकाउंट खुल चुका। और यहाँ पे आपको सेट प्रोफाइल पासवर्ड करना है। प्रोफाइल पासवर्ड बेसिकली वो पासवर्ड होता है जिसमें, लाइक अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप समझिए छोटा छोटा काम कर रहे हैं, लाइक आधार कार्ड लिंक कर रहे हैं, पैन कार्ड लिंक कर रहे हैं, या कुछ आप कर रहे हैं छोटे मोटे काम, तो उसमें आपको प्रोफाइल पासवर्ड लगता है बार बार। क्योंकि प्रोफाइल पासवर्ड इसलिए कंपलसरी है क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एक OTP का और एक प्रोफाइल पासवर्ड का इसके अंदर। जब प्रोफाइल पासवर्ड डालते हैं तो भी आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, और OTP वो तब होता है जब आप कभी कुछ ट्रांजेक्शन करने वाले हैं तब OTP का आपको ज़रूरत पड़ता है। और अगर आप बेसिक समझिए, आप इसके अंदर अगर आप आधार कार्ड भी लिंक करने जाएंगे या कुछ भी काम करने जाएंगे छोटा मोटा, तो उसमें आपको बीच बीच में प्रोफाइल पासवर्ड मांगता रहेगा। अब तो यहाँ पे मैं अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा हिंट क्वेश्चन हिंट आंसर डेट ऑफ बर्थ सब ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। डेट ऑफ बर्थ में जो मेरे अकाउंट में है वहाँ से मेरा डाटा फेच होकर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको भी कुछ दिखता नहीं रहेगा, ना ही मेरा आपको नाम दिखता रहेगा अकाउंट का, ना ही मेरा डिटेल्स दिखेगा जो मैं आपको यहाँ पर डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा इसका। और यहाँ पे मैंने सब कुछ अपना डाल दिया, यहाँ पे फिर मैंने सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ही आपका जो पासवर्ड है सेट हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। और गाइस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग, थैंक यू सर, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर करिएगा हमारे चैनल को, फन व्लॉग को, धन्यवाद। और यहाँ पे बाद अपना अब अपग्रेड कर देना, फुल ट्रांजिशन राइट्स में अपग्रेड का रिक्वेस्ट डाल देना, उसके बाद OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपको सारा का सारा ट्रांजिशन राइट्स मिल जाएगा। थैंक यू।